क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हस्बैंड या वाइफ के पास में यह पावर है कि वह ऑर्डर जो जज साहब ने पास किया है उस ऑर्डर को चेंज करवा सकते हैं? क्या कोई हस्बैंड या वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जब ऑनरेबल कोर्ट से कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है और उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो क्या वह उस ऑर्डर की अपील कर सकते हैं, उस ऑर्डर को चेंज करवा सकते हैं? तो दोस्तों आज इसी प्रोविजन के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यदि कोई ऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ये दोनों के लिए वीडियो है, यदि कोई ऑर्डर ऐसा पास होता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जिसमें कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं उस ऑर्डर से, तब आपके पास में यह अधिकार है कि आप उस ऑर्डर को चेंज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील एप्रोप्रिएट कोर्ट में फाइल कर सकते हो। तो इसमें आपको दो चीज़ें अवश्य याद रखनी है। पहली चीज़ तो आपको यह याद रखनी है कि जब भी वह ऑर्डर पास होगा उस टाइम पर ही आपको ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर उस ऑर्डर की दस्ती कॉपी ले लेनी है। दोस्तों आपको सिर्फ ओरली रिक्वेस्ट करनी है कि योर लॉर्डशिप काइंडली प्रोवाइडेड मी दस्ती कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। आपको उसी वक्त लॉर्डशिप आपको उसी वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट उस ऑर्डर की कॉपी दस्ती दे देंगे। और दूसरी बात आपको यह याद रखनी है दोस्तों कि जब भी आपको ऑर्डर की कॉपी रिसीव होगी, उस ऑर्डर की कॉपी रिसीव होने के 30 दिनों के अंदर आपको एप्रोप्रिएट कोर्ट में अपील फाइल करनी होती है। 30 दिनों के अंदर ही फाइल करनी है, यह लिमिटेशन डेट है। तो यह दो बातें आपको अवश्य याद रखनी है। उसके बाद में आप अपील करके उस ऑर्डर को चाहे तो चेंज भी करवा सकते हैं।